एक और जहां शासन प्रशासन अपराधियों पर लगाम लगाने के लिए नए नए कानून बनाते हैं, तो अपराधी भी शासन प्रशासन को धता बताकर अपराध के नए तरीके खोज कर निकाल लेते हैं। ऐसा ही एक प्रकरण नागपुर जिले के रामटेक तहसील के अंतर्गत आने वाली देवलापार थाना अंतर्गत सामने आया है, जिसमें टमाटर से भरे ट्रक में 28 मवेशी भरे हुए पाए गए हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार देवलापार पुलिस को मिली मवेशियों की तस्करी की गुप्त सूचना के आधार पर नाकाबंदी की गई तथा ट्रक क्रमांक MH40 CT 1235 को रोककर तलाशी दी गई, जिसमें पुलिस को गुमराह करने के लिए टमाटर के कैरेट रखे गए थे तथा कैरेट की आड़ में 28 मवेशियों को निर्दयतापूर्वक बांध कर रखा गया था। पुलिस ने 28 मवेशी सहित ट्रक को मिलाकर कुल 19,45,000 रुपए का माल जब्त किया है। प्रकरण में ट्रक चालक अलाउद्दीन रजाक शाह, असलम खान, अनवर खान, मध्य प्रदेश निवासी को गिरफ्तार कर लिया है। आगे की जाँच देवलापार पुलिस करी है। इनबीसीएन न्यूज के लिए रामटेक से सुषमा मर्जीवी की रिपोर्ट।